हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू टुडेज ब्लॉग। आज हम बाहर जा रहे हैं, मैं एग्जैक्टली 2.5 महीने बाद बाहर जा रही हूँ। देखते हैं बाहर का माहौल कैसा है। मौसम तो वैसे अभी साफ है। नॉर्मली ऐसा दिखता नहीं है कि सब लोग मास्क पहने हुए रोडों पर दिखाई दे, लेकिन अब ऐसा ही है और आगे ऐसे ही चलने वाला है। एक फनी बात हो गई है कि मैं अपनी बाथरूम स्लीपर्स पहन के आ गई हूँ। मुझे बाहर जाने की इतनी एक्साइटमेंट थी कि मैं अपनी चप्पल भी चेंज करना भूल गई। हम लोग ऐसे जाते रहे ग्रोसरी शॉपिंग करने, लेकिन मेन रीज़न बाहर निकलने का ये था कि मैं बहुत दिन से बाहर नहीं गई थी और मम्मी ने बोला कि चलो बिग बाज़ार चलते हैं और शॉपिंग करके आएंगे। ये देखो, सबसे पहली चीज़ मम्मी ने यहाँ ली मैगी। मम्मी को पता है कि मैगी की शॉर्टेज हो रही है हर जगह, इसलिए हमने सबसे पहले मैगी ही ली। ये अनाउंसमेंट हो गई है, अभी बंद होने वाला है। 7 बजे तक का ही टाइम होता है और 7 बज चुके हैं, तो जल्दी करना चाहिए मम्मी। तो हमने शॉपिंग कर लिया, मम्मी ने ले लिया जो भी लेना था, सारा सामान हमारे पास ही है। अब हम जा रहे हैं घर। सामान तो हमने बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड लिया है क्योंकि उधर ज़्यादा सामान है ही नहीं। उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि आगे से सामान आ ही नहीं रहा, सारा स्टॉक भी बहुत कम है, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा लिमिटेड सामान लिया है। बाकी सामान हमें वहीं अपने घर के पास से लेना पड़ेगा। एंड बहुत सारी ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जो हमें लेनी थी पर हमें मिली नहीं। मैं 2.5 महीने ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद घर से बाहर निकली थी और अब मुझे ऐसा फील हो रहा है, वहाँ पर मैंने इतने सारे सर्फेस टच किए हैं, वहाँ पे ट्रॉली टच किया है, सारे प्रोडक्ट्स भी टच किए थे बहुत सारे, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे हाथ पर कुछ लगा हुआ है और ये बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाली फीलिंग है। अब मैं घर जाके जल्दी से इसको धोऊँगी और तब मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील होगा कि अब मैं सेफ हूँ। ऐसा करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो इसलिए बाहर जब भी जाओ और घर में घुसो तो इसलिए अपने हाथ सैनिटाइज ज़रूर करो और सोप से धो। 20 मिनट्स लेट। सो गाइज, अब शॉपिंग करने के बाद अब मैं अपने घर पर हूँ, सब कुछ सैनिटाइज कर लिया है, बिल्कुल क्लीन है सब। एंड ये सच में बहुत ज़्यादा डरने की बात है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। मैं 2.5 महीने के बाद बाहर गई थी एंड आई फेल्ट लाइक इतने सारे सरफेस टच करने के बाद आई फेल्ट लाइक कि मेरे हाथ पर कुछ लगा हुआ है। सीरियसली ये मेरे दिमाग में बैठ गया था, जब तक मैंने हाथ नहीं धोए मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, बहुत ज़्यादा मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये जर्म्स मुझ तक ना पहुँच जाए। इवन दो मैंने मास्क लगाया हुआ था फिर भी मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो अब ऐसी सिचुएशन पहुँच गई है ह्यूमन बींग और ये काफ़ी स्केरी है। द नेक्स्ट डे, नहीं ये नहीं लेना, नॉटी बॉय, ये नहीं लेते ना, नहीं लेते ना, अरे हटो। ये देखो मेरी पिटाई कर दी इसने। अच्छा बोलो हाय, नहीं बोलना, फिर शुरू। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एंड नॉर्मली मेरी मॉर्निंग जैसे ही शुरू होती है चीकू आ जाता है और वो मुझे परेशान करने लग जाता है। मैं सो भी रही होती हूँ तब भी वो मुझे परेशान करना शुरू कर देता है। एंड ये रोज़ की कहानी है। ये लो अभी फिर आ गया
तो अब सुबह का टाइम है, मैं जल्दी से करूँगी ब्रश, फिर करेंगे हम ब्रेकफास्ट। मॉर्निंग रूटीन एंड आई नो इस वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मैं कल काफ़ी टाइम बाद बाहर गई थी, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट इट अप, इसलिए मैंने ये व्लॉग बनाया। एंड बाहर जाकर मुझे ऐसा सीरियसली लगा कि फिर से ट्रैफिक होने लग गया और लोग फिर से बाहर निकल रहे हैं। एंड जस्ट टू टेल यू दैट के इंडिया में 5 जून को 236,000 से भी ज़्यादा केसेज आए थे, जिसमें से 6,000 लोगों से भी ज़्यादा की डेथ हो गई थी। एंड ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और ये लॉकडाउन खुलने की वजह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि हो रहा है। रोज़ नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, रोज़ नए नए पेशेंट्स सामने आ रहे हैं एंड ये नंबर बढ़ता ही जा रहा है। सो आप लोगों से यही मेरी अपील है कि प्लीज़ अपना ध्यान रखो, घर में रहो और जितना हो सके उतना कम जाओ बाहर। एंड ये बढ़ता ही रहेगा बिकॉज हम लोग नहीं मान रहे और बाहर जा रहे हैं। कल मैंने देखा कि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया था। सी इट्स अ बेसिक थिंग, मार्च में क्या हुआ था, लोगों के अंदर कोरोना के लिए ज़्यादा डर था और नंबर्स भी कम थे पेशेंट्स के, एंड अब नंबर्स बढ़ रहे हैं और डर कम हो रहा है। लोगों को ये लग रहा है कि ये कोरोना तो ख़त्म ही नहीं हो रहा, इसलिए हम बाहर जाएंगे एंड अपनी वही लाइफस्टाइल फिर से कंटिन्यू करेंगे, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। गाइस इसीलिए घर पे रहो, सेफ रहो, वही सबके लिए बेटर है। आज सिर्फ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए नहीं, या आपके पड़ोसियों और पूरी सोसाइटी के लिए भी बेटर है। जितना आप लोग घर पे रहोगे उतना ही सही रहेगा। पर यार अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि आपकी लाइफ में कोरोना की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं और आप बाहर जा रहे हो या नहीं जा रहे, अपनी लाइफ फिर से कंटिन्यू कर रहे हो या फिर घर में ही लॉकडाउन हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताओ। एंड ऑल्सो अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट ऑन माई चैनल। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड बाय, पीस आउट।